तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात है ही कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड और चीजें हैं इतनी ही मजेदार कि आपको वीडियो पसंद आएगा ही आएगा। तो इसी बात पे एक छोटा सा रिक्त बनता है, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हम सब बहुत ही छोटे हैं और हमको चाहिए आप सभी का प्यार और सपोर्ट, तभी एक परफेक्ट जेन्युइन और सच्चाई से भरा हुआ टेक फैमिली तैयार हो सकेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर समय की बर्बादी को ना करते हुए। सब्सक्राइब कीजिए टेक इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के। तो दोस्तों हम सब जो कि है इंसान है, और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी जो इच्छा वगैरह है वो कभी भी पूरी नहीं होती। मान लेता हूँ आपके पास एक कंप्यूटर है जो कि i3 i5 के साथ आता है, और वहीं पे किसी के पास एक कंप्यूटर है जो i7 i9 के साथ आता है। तो हालांकि आपका कंप्यूटर तो बहुत बेहतरीन है, फिर भी आपको चाहिए i9 क्योंकि आपका दिल नहीं भर रहा है। यहाँ पे चीज़ें भी कुछ ऐसी ही होती है जब बात होती है टेक्नोलॉजी की, कि बस हम किसी जगह तक रुकना नहीं चाहते हैं, हमारी जो मतलब एक बैरियर है उसको हम हमेशा क्रॉस करना चाहते हैं। तो बात आखिर घुमा फिरा के आ जाती है वहीं पे कि कहाँ तक, हर एक चीज की हद होती है, तो इन चीजों का हद कब आएगा, तो चलिए वो देखने में तो अलग एक मजा आएगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के साथ सैमसंग की रोबोटिक्स स्पीकर के बारे में। अगर आपने कुछ गलत सुन लिया है तो बिल्कुल नहीं, ये एकदम सच्चाई से भरा हुआ एक बात है। रोबोटिक्स स्पीकर आने वाले हैं, और ये कुछ किस तरीके से काम करेंगे, इनकी जरूरत क्या होने वाला है, वो तो आपको इसी वीडियो में कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो वीडियो में बने रहिए एकदम आखिर तक। तो अगर सबसे पहले आप बात करते हो कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो देखिए यहाँ पे सैमसंग ने अपनी एक पेटेंट जो कि है फाइल किया है, या फिर आप कह सकते हैं दूसरी किसी कंपनी है रोबोटिक्स वगैरह की काम करते हैं, तो उन्होंने सैमसंग को एक मतलब पेटेंट दिया है कि भाई हमारे लिए कुछ ऐसा स्पीकर बनाओ जो कि वर्चुअल रियलिटी के साथ पूरी तरीके से कंपेटेबल हो। तो आप अगर यहाँ पे जानना चाहते हो वर्चुअल रियलिटी के साथ कंपेटेबल मतलब कितना कंपेटेबल, तो आज के टाइम पे VR जो भी लोग यूज करते हैं मतलब वो थोड़ा सा ऊब चुके हैं, क्योंकि चीजें हो चुकी है पुरानी, और आज के जितने भी फोन्स आते हैं उनमें जायरोस्कोप सेंसर तो है ही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप सब 200 रुपया हो या फिर 2000 हो या फिर वो टॉप नॉच सैमसंग की गियर वियर, किसी ना किसी वियर में तो एक्सपीरियंस लिया ही है। यहाँ पे अगर बात करते हो गियर वियर की, तो वो एक अलग चीज है, सेपरेट चीज है, जहाँ पे चीजें है बहुत ही मतलब मजेदार, आपको एक प्रॉपर कंट्रोल मिलता है, एक थिएटर का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। फिर भी अगर उसी गियर वियर पे आप किसी नेचर वगैरह की चीजें देखते हो, तो मान लेता हूँ दूर में एक बंदा है वो चीख रहा है, उसकी चीख आप सुन सकते हो, भले ही साउंड 3D में आ रहा हो फिर भी आप समझ सकते हो दाएं हैं या फिर बाएं हैं। लेकिन नॉर्मल जब आप हटते हो या फिर चलते हो, तो यहाँ पे अगर कोई बात करता है आपसे तो उसको सुन के आप अंदाजा लगा सकते हो कि बंदा इतनी दूरी पे खड़ा हुआ है। लेकिन VR के साथ ऐसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, आप पता लगा सकते हो दाएं हैं या फिर बाएं हैं, लेकिन कितनी दूरी में है ये पता नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साउंड 3D होने के बावजूद भी आपकी जो स्पीकर है वो कहीं ना कहीं एक जगह पे स्टिल है, तो ऐसे में वो साउंड को कम ज्यादा करके एक आइडिया आपको दे सकता है इस साइड से आ रही आवाज, लेकिन प्रॉपर बता नहीं सकता कौन सी मतलब कितने दूर से बंदा जो कि ये चीख रहा है। लेकिन सोचो अगर वहीं पे स्पीकर अगर मूव कर सके, उनकी जो पार्ट्स है वो मूविंग हो, तो ऐसे में बंदा अगर लेफ्ट से चीख रहा है तो स्पीकर मूव हुआ लेफ्ट में, वहां से थोड़ा दूर गया और उसी फ्रिक्वेंसी को कैच किया जितनी फ्रिक्वेंसी में वो साउंड जनरेट हो रहा है, और उसी फ्रिक्वेंसी को आपके कानों तक पहुंचाया, तो यहाँ पे आप साफ साफ समझ सकते हो यार कि बंदा इतनी दूर से चीख रहा है। तो यही चीजें करने वाला है सैमसंग, कुछ ऐसे स्पीकर्स बनाने वाला है जो कि उनकी नई VR के साथ आने वाला है। जो बिल्कुल सही सुना है आपने, वो एक नया VR की तैयारी कर रहे हैं जिनका नाम वो रखने वाले हैं VR। हालांकि इसका नाम जो कि ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन स्पीकर के ऊपर उन्होंने काम करना कर दिया है स्टार्ट, ये एकदम कंफर्म है। तो इन स्पीकर्स के साथ VR की जो एक्सपीरियंस है वो कुछ चेंज होने वाले हैं। अगर आप बात करते हो यहाँ पे 200-300 की VR को गियर VR के साथ कंपेयर करने की, दोस्तों यहाँ पे कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ये चीजें जो भी लोग करते हैं मतलब उनको इतना समझ होना चाहिए कि 200 रुपया में एक जो VR बॉक्स आता है वो बस स्क्रीन को स्प्लिट करके दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो कि एडवांस VR वगैरह है उनमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। कुछ VR तो 3D सपोर्ट के साथ आता है, मतलब आप अपने फोन में किसी 3D मूवी को डाउनलोड करके VR के थ्रू प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हो जाती हैं एक अलग सेपरेट चीजें। और VR की प्राइसिंग कितना होने वाला है वो सब मत पूछिएगा, क्योंकि अभी तक पता नहीं चला है। और आप एक बात बताओ यार, क्या आपको लगता है एक 200 रुपया की गियर VR आप खरीद सकते हो, और उसके साथ अगर किसी भी टॉप नॉच गियर VR को आप मतलब कंपेयर करते हो तो कंपेरिजन कहीं पे बनता है? तो वीडियो में छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, लेकिन था काफी काम का। और इसके बारे में अगर आप विस्तारित जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को चेक करते रहिएगा, वहां पे काफी चीजें मैं अपडेट करता रहता हूं। तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर लिंक मिलता है तो वहां पे मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। मिलता हूं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और ये बताना मत भूलो ये जो मूविंग या फिर रोबोटिक स्पीकर बनाने वाला है सैमसंग, ये आपको कितना अच्छा लगा कितना बुरा लगा। चलता हूं, मिलता हूं एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।